IBF क्या है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। IBF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये गर्भधारण करने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। IBF प्रक्रिया के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यह तकनीक उन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो किन्हीं कारण से मां नहीं बन पा रही है। हार्वर्ड में फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन रॉक और उनकी सहयोगी मिरियम मेनकिन एक साथ सबसे पहले इस तकनीक में काम किया। रिसर्च का मकसद ऐसी महिलाओं की मदद करना था जिनकी बच्चेदानी तो सेहतमंद थी मगर फेलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी थी। करीब 6 साल की मशक्कत और लगातार मिलने वाली नाकामयाबियों के बाद फरवरी 1944 में IBF को लेकर कामयाबी मिली। जब लैब में देखा गया कि जिन स्पर्म को उन्होंने अंडों के साथ रखा था वह एक हो गया और कांच के डिस्क में इंसानी भ्रूण बनना शुरू हो गया। आज इस तकनीक को IBF के नाम से जाना जाता है। 1978 में दुनिया को IBF से पहला बच्चा मिला जिसका नाम लुईस ब्राउन रखा गया। और इसी तरह के फैक्ट जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।